चैनल फिर से सब लोगों को स्वागत है। आज देखिए जो हम बनाया था स्लीपर कोर्स का जो और जीएस कोर्स का जनरल कोर्स का जो आरसीबीओ का जो मोबाइल चार्जिंग तो उसका बारे में वीडियो हम डाल दिया था। तो उसका हम अभी देखिए डायग्राम हम कंप्लीट कर लिया। डायग्राम का माध्यम से हम दिखाएगा कैसे इसका कनेक्शन रहता है। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। और एक बात आप लोग को कहना है, जो मेरा वीडियो देखता है वीडियो कैसा लगता है उसका कम से कम कमेंट में हमको बताइएगा। जो वीडियो हमको लगता कैसा है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कैसा टाइप का आपको वीडियो चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। वीडियो जरूर अच्छा लगने पर एक लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हमको बहुत समय नष्ट करने का बावजूद हम आप लोग को के लिए ही वीडियो हम बनाता है, जैसे आप लोग को जैसे सुविधा हो जाए, काम करने में आसान हो जाए। तो इसके लिए इतना सारा मेहनत हम करता है। देखिए ये जो डायग्राम बनाया, ये बनाने से बहुत समय भी लगता है, मेरा समय बहुत नष्ट हो जाता है, फिर भी हम आपके लिए ही आप लोगों के लिए ही सुविधा के लिए बनाता है। तो कम से कम एक लाइक, वीडियो देखने का टाइम में एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। कितना आदमी कहाँ से वीडियो देख रहा है वो भी लिख दीजिएगा, जैसे हमको पता चल सके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कितना आदमी है, कहाँ से कौन आदमी काम कर रहा है। तो चलिए ज़्यादा बात बोलने से पहले आपको बताया जाता है इसका लाइन कैसा होता है। तो शुरू करता है, ये देखिए एक स्लीपर कोच चाहे जीएस कोच तो टाइप एक ही है। तो हम इसका बारे में हम दो कोच का एक साथ में बता देगा जैसे लाइन कैसे रहता है। तो देख लीजिए, तो देखिए सबसे पहले ये हम लोग का डिस्कनेक्ट अर्थिंग डिवाइस है, डीएनडी बोलता है इसको। स्लीपर कोच में 63 एम्पियर का रहता है, तो डीएनडी जिस एम्पियर का रहेगा उसी एम्पियर स्टीब्यूस उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्लीपर चाहे जीएस कोच में ये होता है 63 एम्पियर का स्टीब्यूस देखने मिलेगा, लेकिन कोचों में लोड का हिसाब से लगा रहता है 25 एम्पियर, इसलिए हम इसको 25 ही कर दिया, क्योंकि इसलिए ओरिजिनल लगना चाहिए 63 एम्पियर। इसी कोच में 125 एम्पियर लगा रहता है, लोड ज़्यादा है इसलिए। तो सबसे पहले कपलर द्वारा सप्लाई हमारे डीएनडी में आने लगता है। तो डीएनडी से सप्लाई क्या होता है, ये दो देखिए सप्लाई है, जैसे कपलर से दो ही सप्लाई आता है, तो एक नेट वन एंड नेट टू के लिए ये सप्लाई डायरेक्ट स्टीब्यूस होते हुए ये हम लोग को K01 देखिए K01 और K02 में जा रहा है। तो अभी देखिए इसका तो कंट्रोलिंग वीडियो कैसे होता है, तो दूसरा वीडियो में डाला हुआ है। हम वीडियो इतना लंबा इसमें बनाने से काम नहीं है, इसलिए शॉर्टकट बढ़ा दिया। ये कॉन्ट्रेक्टर कोई भी लूप है पीछे से, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर पकड़ लेगा, तो पकड़ने से क्या होता है सप्लाई ये 750 सप्लाई ये RYB न्यूट्रल, तो डायरेक्ट जाएगा हम लोग का स्लीपर चाहे जीएस कोर्स में। क्या होता है एसी कोर्स में, ये जो ट्रांसफार्मर लग रहा था 60 KVA का, इसमें होता है 9 KVA का ट्रांसफार्मर रहता है। तो 9 KVA ट्रांसफार्मर ये पहुंचने से दो तरह का लाइन आउट होता है। एक देखिए लाइन आउट हो रहा है 415 वोल्ट एसी, ये ले रहा है 750 वोल्ट एसी, लेकिन आउट हो रहा है 415 वोल्ट एसी। तो ये होता है, ये किस लिए जाने लगता है 415 वोल्ट से, ये देखिए 25 एम्पियर फ्यूज हो रहा है, ये आउट होगा, आउट होने में वागो में जाएगा, वागो से जहाँ पर जरूरत है उसी हिसाब से RBC का EBC चाहे पाम्प 1 और 2 इसी के लिए लिया जाता है सप्लाई, तो उसी में ये डायरेक्ट चला जाता है। और दूसरा जो सप्लाई है ये RYB न्यूट्रल, तो यहाँ में देखिए 190 वोल्ट लिखा हुआ है, फेस फेस 190 और न्यूट्रल का साथ जोड़ने से 110 हो जाता है। ये 16 एम्पियर फ्यूज हो रहा है, HRC फ्यूज होता है, तो HRC फ्यूज द्वारा ये जाएगा वागो में, देखिए वागो लिख दिया, क्योंकि इसको हमको जरूरत है इसलिए हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। तो देखिए ये 9 KVA ट्रांसफार्मर से जो आउट हुआ दो तरह का लाइन, तो हमको एक तरह का 190 वोल्ट यही सप्लाई हम लोग को पैनल बोर्ड में ऊपर जा रहा है, जहाँ से हम लाइट फैन जलाने का काम करता है। तो ये पहले जाएगा वागो में, ये वागो में जाएगा, वागो से क्या करता है, ये वागो से लूप उठा के एग्जॉस्ट फैन के लिए लिया जाता है कनेक्शन, मतलब RYB यहाँ पर आता है डायरेक्टली, तो इसीलिए वागो से ले लिया जाता है जिसके लिए जरूरत है RYB न्यूट्रल। और यहाँ से लाइन लिया जाता है RCBO में डायरेक्ट सप्लाई, तो RCBO का नीचे इनपुट है, नीचे तरफ आपको मिलेगा डायरेक्टली, उसके बाद RCBO जैसे उठाएगा, मतलब RCBO होता है रेसिड्यूल सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो ये मोबाइल चार्जिंग को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो ये 4 फेल का होता है, 16 एम्पियर का होता है, ठीक है, इसका RYB न्यूट्रल इसे नीचे डायरेक्टली घुस जा रहा है। तो उसके बाद ये जैसे RCBO को हम ऑन करता है, तो ये सप्लाई ऊपर तरफ आउट होने लगे। RCBO को देखिए हम जैसे तैसे बनाया, क्योंकि हमको हम तो आपको समझाने के लिए बना रहा है, उतना हम तो अच्छे से नहीं बना सकता, जितना भी हुआ वैसे ही बनाया हम RCBO को।
तो देखिए आर वाई बी न्यूट्रल, उसके बाद आउट होने के बाद ये जा रहा है हम लोग का, देखिए मोबाइल चार्जिंग जो रोटरी स्विच वो हमें देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर नेट सिलेक्टर, पावर सिलेक्टर, एग्जॉस्ट फैन जो भी हो वहाँ में भी आपको मोबाइल चार्जिंग रोटरी स्विच मिलेगा। ये दूसरा वीडियो डाला हुआ है वो भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कैसे लाइन आ रहा है। या वीडियो जरूर अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कहाँ से कौन आदमी वीडियो देख रहा है वो भी हमको बता दीजिएगा, जैसे यार कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बोल दीजिएगा, हम उसी हिसाब से वीडियो बनाते रहिएगा। तो देखिए यह से आउट होने के बाद आर वाई बिल रोटरी स्विच जैसे हम ऑन कर देगा रोटरी सिलेक्ट मोबाइल चार्जिंग, तो यह से सप्लाई आउट होगा आर वाई बिल न्यूट्रल। तो हम लिख दिया ये 190 वोल्ट होता है, देखिए रोटरी स्विच से डायरेक्ट ये जा रहा है हम लोग का जो 6 एम्पियर फ्यूज आपको देखने को मिलेगा पैनल बोर्ड में, जहाँ पर पैनल है आपको ऊपर में मिलेगा, पैनल में आपको 6 एम्पियर फ्यूज है, HRC फ्यूज में आएगा 3 फेज, देखिए 190 वोल्ट। ये उसके बाद ये फ्यूज द्वारा डायरेक्ट जाएगा वागो में, ये वागो में जाएगा। और देखिए न्यूट्रल क्या होता है, डायरेक्टली रोटरी स्विच आउट होने के बाद ये फ्यूज होते हुए नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली ये वागो में जा रहा है, ये न्यूट्रल डायरेक्टली वागो में जा रहा है। फिर वागो से क्या होता है, ये देखिए वागो है, तो वागो से क्या होता है वो वीडियो हम वो वीडियो सी देख लीजिएगा, वागो कहाँ पर होता है कैसे होता है। तो वागो से क्या होता है, ये देखिए आ रहा है 3 फेज आर वाई बी और न्यूट्रल। तो यहाँ से क्या होता है, रेड और येलो को लिया जाता है सप्लाई के लिए और ब्लू का स्पेयर में रखा जाता है, और न्यूट्रल को जरूरत है इसलिए न्यूट्रल, कोई अगर कोई कारण में आपको ये फ्यूज भी उड़ जाए चाहे खराब हो जाए तो आप ये खोल के आपको ये कनेक्शन को यहाँ में भी लगा सकता है आराम से। तो देखिए आर का कैसे कनेक्शन रहता है ये कोचों में, देखिए वहाँ से आर देखिए जा रहा है कैसे, ये कोच के लिए एक तरफ जा रहा है, ये कोच का दूसरा न्यूट्रल, देखिए 2 न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल तो आ रहा है यहाँ से लूप उठा के 2 न्यूट्रल लेके जा रहा है, ये यहाँ से लूप एक देखिए रेड का साथ जा रहा है न्यूट्रल, ये 110 वोल्ट AC कोच का मोबाइल सॉकेट में एक तरफ जा रहा है, कोच से ये लूप होते होते एक तरफ जाएगा, और दूसरा लाइन देखिए येलो और एक न्यूट्रल दूसरा न्यूट्रल ये जा रहा है दूसरा तरफ, ये देखिए 110 वोल्ट AC कोच मोबाइल दूसरा सॉकेट के लिए ये लूप होते होते कोच में कंप्लीट, मतलब सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हम बता दिए आपको कोच में कैसे लाइन जा रहा है, एक एक मतलब एक टाइप का कोच का, ये दूसरा टाइप का कोच का में कैसा होता है, ये जो RCBO होता है, RCBO हम बताया अभी जो ऊपर में पैनल बोर्ड में रहता है, RCBO को जैसे ऑन करेगा रोटरी में जा रहा होता है, लेकिन कोई कोई घर में आपको देखने को मिलेगा ये RCBO ऊपर में नहीं रहता है, तब क्या होता है, हम उसका भी वीडियो हम डाल दिया है वो भी देख लीजिएगा एक ही साथ में, 2 पावर पैनल का। तो ये RCBO क्या होता है, SBC पैनल में नीचे रहता है, तो उसी कंडीशन में MCB गिर भी सकता है तो उठाना दिक्कत हो जाता है। तो ये RCBO नीचे होने से क्या होता है, वो नीचे से डायरेक्टली ये सप्लाई ऊपर में रोटरी स्विच पर नीचे से आएगा, ये रोटरी स्विच में आपको देखने को मिलेगा सप्लाई, उसके बाद ये आउट होने के बाद फिर इसी तरह का ये जो 6 एम्पियर का फ्यूज HRC फ्यूज में आएगा, उसके बाद ये वागो में नहीं जाएगा, क्या होगा वो HRC फ्यूज से डायरेक्ट ये कोच में चला जाएगा। कैसे कनेक्ट रहेगा देखिएगा, रेड येलो से 2 सप्लाई, रेड येलो से 2 सप्लाई हम जैसे देखा है कोचों में कैसे जा रहा है, तो उसी कंडीशन में रेड येलो ऐसे जाएगा, और न्यूट्रल से देखिएगा जो न्यूट्रल इसमें फ्यूज, इसमें न्यूट्रल का भी फ्यूज रहेगा, तो इसमें न्यूट्रल का फ्यूज जैसे नहीं है ये डायरेक्टली आ गया वागो में, ये न्यूट्रल उसमें न्यूट्रल का भी फ्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ में भी आपको फ्यूज देखने के मिलेगा, तो वो फ्यूज द्वारा ये यहाँ से एक लाइन आएगा, लेकिन जाते समय आपको 2 लाइन देखेगा ऊपर में, तो वो कुछ के लिए ऐसे ही ये 2 जैसे न्यूट्रल लूप हुआ वैसे ही दोनों तरफ देखने को मिलेगा जाते हुए देखेगा। तो ये 2 तरह का मतलब पुकार रहता है, चाहे GS चाहे स्लीपर। मोबाइल चार्जिंग का जो हम डायग्राम बनाया तो ये बता दीजिएगा जो ये वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए ये मोबाइल डायग्राम बनाने से बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समय भी बहुत लगता है, तो कम से कम इसी के लिए इतना मेहनत के लिए आप एक लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा जरूरत। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है, और जो लोग कमेंट करते हैं उसके लिए अलग से थैंक यू, और जो किया नहीं है उसके लिए भी एक आशा करता हूँ हम जे कम से कम वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, तो थैंक यू।